सो डियर स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉस केनिजारोस रिएक्शन। ध्यान से देखिएगा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे केनिजारोस रिएक्शन, है ना। तो केनिजारोस रिएक्शन क्या था कि जहां पर हमने दो ऐसे अल्डिहाइड यूज किए थे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो, क्या अब्सेंट हो, अब्सेंट हो, यस, प्रेजेंट किस में था, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन में, यस, है ना। तो देखिए, ऐसे अल्डिहाइड आपको यूज करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो। दो एग्जांपल बताया था मैंने आपको, एक फॉर्मल्डिहाइड और एक बेंजल्डिहाइड, यस सर, है ना। तो अल्डिहाइड का वहां पर ऑक्सीडेशन भी हुआ था और अल्डिहाइड का रिडक्शन भी हुआ था, है ना। अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होने पर तैयार होता कार्बोक्सिलिक एसिड, और अगर अल्डिहाइड का रिडक्शन हुआ तो तैयार होता अल्कोहल। तो हमने दोनों तैयार किए थे क्योंकि उसमें साइमल्टेनियसली बराबर है ऑक्सीडेशन भी हो रहा था और रिडक्शन भी हो रहा था, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट है क्रॉस केनिजारोस रिएक्शन। यहाँ पर आपको दो अलग अलग अल्डिहाइड यूज करना है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन एटम अब्सेंट हो, यस। चलिए ध्यान से देखिए, एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, है ना, और यहाँ यूज किया हमने बेंजीन रिंग, ओके, बॉन्ड सी एच ओ बेंजाल्डिहाइड, नेम है बेटा इसका बेंजाल्डिहाइड, यस, और ये है फॉर्मल्डिहाइड, बेंजाल्डिहाइड और फॉर्मल्डिहाइड, ओके। इन प्रेजेंस ऑफ के ओ एच एन ए ओ एच यूज कीजिए आप, यस। चलिए ध्यान से देखिए, बट कौन सा यूज करेंगे आप, कॉन्सनट्रेटेड, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, अब सवाल ये है इसमें क्या ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा। तो याद रखिएगा, देखो, एलिफेटिक अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू एरोमेटिक अल्डिहाइड। एलिफेटिक अल्डिहाइड ये मोर रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू किससे, एरोमेटिक अल्डिहाइड। ध्यान से देखिएगा, एलिफेटिक अल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एरोमेटिक अल्डिहाइड, यस। चलिए ध्यान से देखिए, क्या एलिफेटिक अल्डिहाइड ये ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू एरोमेटिक अल्डिहाइड। तो ध्यान से देखिएगा, यहां पर एलिफेटिक अल्डिहाइड का होगा ऑक्सीडेशन और एरोमेटिक अल्डिहाइड का होगा रिडक्शन, यस। सुनिए, ये प्रोडक्ट बनाते थे हम, याद आ रहा हूँ आपको, एच सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव और ये एन ए पॉजिटिव, है ना, सोडियम फॉर्मेट, क्या है बताइए, सोडियम फॉर्मेट, यस सर, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, तैयार हो गया इसमें बेंजीन रिंग सी एच टू ओ एच, बेंजीन रिंग सी एच टू ओ एच, यस सर, है ना, बेंजाइल अल्कोहल। अब मैं इसके मैकेनिज्म की बात करता हूँ, जैसे मैंने इससे पहले के लेक्चर में भी आपको मैकेनिज्म बताया था, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, इसका मैकेनिज्म समझ लीजिए, ओके। देखिए, यहाँ पर हमने के ओ एच और एन ओ एच यूज किए हैं अल्कली बेस, यस सर। क्या प्रोड्यूस करेगा बेटा, के पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव आयन, यस। सुनिए, एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, बराबर, एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, नाम है इसका फॉर्मल्डिहाइड। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर ज़्यादा है कार्बन से, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। यहाँ पर थोड़ा सा चार्ज आएगा डेल पॉजिटिव और यहाँ पर चार्ज आएगा डेल नेगेटिव, यस सर, ओके। इसके बाद ध्यान से देखिए क्या होगा इसमें, यहाँ पर के ओ एच अटैक करेगा, मतलब क्या प्रोड्यूस करेगा, ओ एच निगेटिव आयन। ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ पर अटैक करेगा, है ना, कार्बन पॉजिटिव पर, जहां पर जिस कार्बन, मतलब जिस पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यस। तो यहां पर कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, यस सर। देखिए मैकेनिज्म आप अच्छे से पढ़ लो, बार बार मैं याद करा देता आपको, है ना, बेंजीन रिंग ये ओ, सॉरी, ये सी एच ओ और यहां पर ओ एच, ये चार्ज आ जाएगा बेटा निगेटिव, यस सर, और ये एच, यस, हाँ। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब मैंने यूज किया हूं इसमें बेंजीन रिंग, ओके, सी एच ओ बेंजाल्डिहाइड, यस सर, क्या यूज किया हमने, बेंजाल्डिहाइड। सुनिए, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, सिंपल सी बात है, तो यहां पर चार्ज कौन सा डेवलप हो रहा, इधर ध्यान से देख लो, यहां पर चार्ज होगा पॉजिटिव चार्ज डेवलप, लेकिन सुनिए, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो यहां से अगर ये एच पॉजिटिव, देखो ओ एच निगेटिव अगर आके अप्रोच हो जाएंगे तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगा, बराबर है, लेकिन हमने यहां पर कॉन्सनट्रेटेड के ओ एच यूज किए हैं, तो ये रिएक्शन कॉन्सनट्रेटेड के कारण रिवर्स नहीं होगा, मतलब यहां से ये प्रोड्यूस करेगा एच निगेटिव,
क्या प्रोड्यूस करेगा, एच नेगेटिव, मतलब हाइड्राइड यहां पर ये शिफ्ट करवा देगा। ओके बेटा ध्यान से देखिएगा हाइड्राइड कैसा शिफ्ट हो रहे। ओके जैसे ही यहां पर हाइड्राइड शिफ्ट हो गए, ओके ये ऑक्सीजन एटम है ना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे उतार देगा। देखिए ध्यान से एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, यस सर एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ एच यस, प्लस ध्यान से देखिएगा बेंजीन रिंग, ओके सर बेंजीन रिंग बॉन्ड सी ओ नेगेटिव यहां पर एच और ये एच यहां पर आके अप्रोच होगा, यस सर ध्यान से देखिएगा बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए पहले क्या हुआ, क्या इस ओ एच ने अटैक किया यहां पर, चलिए कर दिया ये हमने लाके अप्रोच कर दी, यहां से पहले क्या शिफ्ट होगा एच नेगेटिव हाइड्रेट शिफ्ट होगा, चलिए एच शिफ्ट हो गया। ओके उसके बाद देखिए अभी यहां से क्या बाकी रहा बताइए आप, के पॉजिटिव बाकी रहा, यस सर क्या बाकी रहा के पॉजिटिव, तो ये के पॉजिटिव यहां पर आके अप्रोच हो गया, यस सर के पॉजिटिव है ना, लेकिन ये क्या बताइए आप, ये फॉर्मिक एसिड मतलब ये एसिड है और ये बेस है ना, एसिड और बेस मिलकर के ये क्या बनाएगा सॉल्ट बनाएगा, यस सुनिए कैसा होगा कि ये एच पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, ये एच पॉजिटिव आयन यहां पर शिफ्ट हो जाएगा, ओके और के यहां पर सुनिए एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ के है ना, अगर मैं यहां पर Na यूज करता था, मान लीजिए मैंने यहां पर NaOH यूज किया, ओके तो ये Na पॉजिटिव इस इक्वेशन के हिसाब से, तो यहां पर क्या क्या अप्रोच होता था Na अप्रोच होता था सर, यस और यहां पर भी Na, ओके प्लस ये H मैं इधर शिफ्ट कर दिया हूं, यस सुनिए आप ध्यान से बेंजीन रिंग ओके CH2 और OH, थोड़ा सा आप ऑब्जर्व कीजिए, सुनिए मैकेनिज्म समझने के बाद हमें ये समझ में आ रहा क्या, यहां का ये जो H दिखाई देगा आपको है ना अल्कली बेस का, अल्कली बेस का क्या दिखाई देगा आपको H, ओके ये अल्कोहल के ऑक्सीजन से जाके जुड़ेगा मतलब O नेगेटिव से जाके जुड़ेगा यहां पर, यस मैकेनिज्म समझने के बाद, और ये Na पॉजिटिव सुनिए आप Na पॉजिटिव कैसा होगा कि यहां से OH नेगेटिव पहले यहां पर आके अप्रोच हो गया, यस सर है ना H नेगेटिव बाहर गया, यस हाइड्रेट शिफ्टिंग हुआ, हाइड्रेट करवाया ना यहां पर हाइड्रेट H नेगेटिव बाहर आया, यस कौन सा ये स्टेप में, ठीक है सुनिए यहां पर OH जोड़ दिया हमने है ना, मतलब क्या तैयार होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर H बाहर होगा ये वाला, ओके और यहां पर क्या आ जाएगा जो भी हम यूज करेंगे मेटल सोडियम या फिर पोटाशियम, यह है इसका इन डिटेल और डेप्थ मैकेनिज्म। ओके और ये टॉपिक था बेटा कौन सा क्रॉस कैनिजारोस रिएक्शन जहां पर हम दो अलग अलग अल्डिहाइड का यूज करते हैं। ओके अब मैं इसके क्वेश्चन सॉल्व करवाने की कोशिश करता हूं। ओके चलिए हाँ इसका पेज नंबर 1 निकाल लीजिए स्क्रीनशॉट। ओके चलिए ध्यान से देखिए सुनिए चलिए समझ लीजिए चलिए ध्यान से देखिए यहां लिखा हूं मैं H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H और NaOD ये क्वेश्चन दे दिया आपको क्वेश्चन नंबर 1 बराबर ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते। दूसरा देखिए आप H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड D और यहां दे दिया आपको NaOH कितनों के 2। थर्ड क्वेश्चन डी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी, डी समझते ना आपको ड्यूटेरियम क्या है ड्यूटेरियम और यहाँ यूज किए हमने NaOH क्या यूज किया है NaOH। ओके नेक्स्ट फोर्थ एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा चलिए पहले मैं 3 एक्सप्लेन कर देता हूँ विथ मैकेनिज्म है ना बगैर मैकेनिज्म के समझ में नहीं आता जैसे मैंने आपको भी जस्ट मैकेनिज्म बताया कि कैसा अप्रोच होगा यहाँ पर सुनिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 1 इसमें प्रोडक्ट कौन कौन सा बस इतना ही क्वेश्चन देता है एग्जाम में ठीक है ध्यान से देखिए H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड H ये फर्स्ट वाला फर्स्ट का मैं विथ मैकेनिज्म बताने की कोशिश करता हूँ यस सर ओके चलिए ध्यान से देखिए यहाँ पर था बेटा NaOD ओके NA पॉजिटिव OD नेगेटिव
अब सिंपल सा मीनिंग क्या होगा कि यहां का ओडी इधर आके अप्रोच होगा, यस सर, ओके। चलिए एच बॉन्ड सी बॉन्ड ओ नेगेटिव बॉन्ड एच और यहां पर ओडी, ओके। चलिए ओडी लिख दिया हमने, यस सर, है ना। क्या बाकी रहा इसमें अभी, एन ए पॉजिटिव बाकी है सर। अब सेकंड मोल हम यूज करेंगे, याद आ रहा हूँ आपको एच बॉन्ड सी, है ना। यहाँ पर कितने मोल यूज करना पड़ता, दो मोल, यस सर, है ना। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ से हाइड्रेट शिफ्ट होगा, क्या होगा, हाइड्रेट शिफ्ट। ध्यान से देखिए एच इधर शिफ्ट करवा दिए हमने, ओके। सुनिए एच बॉन्ड सी बॉन्ड ओ, है ना, ये डबल बॉन्ड ओ हो जाएगा क्योंकि एच निगेटिव जब बाहर आएगा तो, ओके। चलिए ध्यान से देखिए और ओ डी, यस, प्लस एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड ओ निगेटिव और यहाँ पर जो भी आप मेटल यूज किए ये एन ए पॉजिटिव ला के हमने जोड़ दिए, यस, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिए क्या होगा, ये एसिड है, ये बेस है, है ना, दोनों आपस में मिल करके सॉल्ट तैयार कर देंगे, यस सर। सुनिए एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एन ए, यस सर, प्लस एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड एच बॉन्ड ओ और डी, है ना। तो मैकेनिज्म समझने के बाद आपको ये समझ में आएगा कि इसका मेन प्रोडक्ट कौन सा बन रहा, तो सुनिए आंसर इसका एच बॉन्ड सी डबल ओ एन ए, यस सर, है ना। ये बार बार प्रैक्टिस करना आपने, प्लस सी एच थ्री बॉन्ड ओ डी, सी एच थ्री बॉन्ड ओ डी, बराबर है, मतलब ये डी गया था यहाँ पर, याद आया मैकेनिज्म से। चलिए सेकंड क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म ध्यान से देखिए, मैं बार बार प्रैक्टिस इसलिए करवा रहा है कि इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाना, ठीक है। ध्यान से देखिए एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी, यस सर, और यहाँ पर है एन ए ओ एच, कौन आके अटैक करेगा, एन ए पॉजिटिव, ये सॉरी ओ एच नेगेटिव, यस सर। एच बॉन्ड सी बॉन्ड ओ नेगेटिव बॉन्ड डी बॉन्ड ओ एच, यस सर, ठीक है। हाँ इधर ध्यान से देख लो, एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी। अब सिंपल सी बात है कि यहाँ पर दो ऑप्शन है हमारे पास, कौन सा, क्या एच भी बाहर आ सकता है और डी भी बाहर आता है, क्योंकि ड्यूटेरियम ये भी क्या हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन का सेकंड आइसोटोप्स। लेकिन देखिए इसमें आप हमेशा याद रखना कि सी बॉन्ड एच ये वीक बॉन्ड होता है, ये वीक बॉन्ड होता है एज कंपेयर टू सी बॉन्ड डी, ओके। तो यहाँ से क्या बाहर आएगा, ये बाहर आएगा सर एच निगेटिव हाइड्रेट, ओके, याद रखिएगा। और ये आकर के हमने देखिए इसको इधर ला करके अप्रोच कर दिए, यस। सुनिए तो ये सिंगल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, डबल बॉन्ड में, देखिए डी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, यस सर, है ना, प्लस एच बॉन्ड सी बॉन्ड डी बॉन्ड एच और ये ओ नेगेटिव, ओके। अब मैंने एक काम किया, यहाँ पर कौन सा मेटल यूज किया था, एन ए, तो ये एन ए पॉजिटिव हमने ला के जोड़ दिए, यस सर, है ना, एन ए पॉजिटिव और ये ओ निगेटिव। ये एसिड है और ये बेस है, बाद में क्या होगा, सॉल्ट तैयार होगा, तो सुनिए आप कैसा बनेगा, डी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एन ए प्लस, यस, एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच बॉन्ड डी बॉन्ड ओके ओ एच, यस सर, ठीक है ना, सी एच टू डी और ओ एच, ठीक है। और क्या तैयार हो गया इसमें, ये सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो आंसर क्या है इसका, डी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एन ए, यस सर, है ना। आगे सी एच टू बॉन्ड डी बॉन्ड ओ एच, ओके। चलिए थर्ड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिए विथ मैकेनिज्म। मैं मैकेनिज्म इसलिए बता रहा है, क्या बार बार प्रैक्टिस कर लिया हमने तो एक बार माइंड में सेट होगा तो अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं इसको, यस। देखिए डी ओके बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी, यस ओके। इसका रिएक्शन करवाया बेटा हमने किसके साथ में, एन ए ओ एच के साथ, सिंपल सी बात है, यहाँ पर आकर अप्रोच होगा और यहाँ पर चार्ज कौन सा आएगा, निगेटिव, तो डी बॉन्ड सी बॉन्ड ओ निगेटिव बॉन्ड डी बॉन्ड ओ एच, यस ओ एच। आगे ध्यान से देखिएगा, आपको और एक मोल यूज करना है क्योंकि इसमें हम दो मोल का इस्तेमाल करते, यस सर, इस पर चार्ज आएगा डेल निगेटिव, ओके। अब यहाँ पर तो डी कोई भी एक निकाल लीजिए आप, चलिए मैंने इसको बाहर निकाल लिया क्योंकि दोनों भी हाइड्रोजन थे यहाँ पर, मतलब ड्यूटेरियम, यस। सुनिए क्या होगा, जैसे ये बाहर निकलेगा तो डी बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, यस सर, और ये इस तरह हो जाएगा, ठीक है ना, डी बॉन्ड सी बॉन्ड डी ओके बॉन्ड डी बॉन्ड ओ निगेटिव, ठीक है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा
क्या जोड़े थे हमने यहाँ पर, मेटल था Na, तो ये Na पॉजिटिव आके अप्रोच हो जाएगा। बाद में देखिए ये H पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस करेगा, यस सर, D बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O Na, यस सर, प्लस CD3 और OH, यस CD3 और OH, यस। तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखिए आप, D बॉन्ड C डबल बॉन्ड O बॉन्ड O Na, यस सर, प्लस CD3 और OH। ध्यान से देखिए, यहां पर सबसे पहले इसमें अटैक किया है न्यूक्लियोफाइल ने, किसने अटैक किया, न्यूक्लियोफाइल, OH न्यूक्लियोफाइल, है ना। तो कहां पर अटैक किया, कार्बन पर, है ना, कार्बन क्या था यहां पर, इलेक्ट्रोफाइल था, ठीक है। तो देखिए, मतलब यहां पर रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है ना। देखिए यहां पर जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा, जितना रैपिडली पॉजिटिव चार्ज आएगा, उतना उसका ज्यादा रेट रहेगा, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज, फर्स्ट पॉइंट। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, बराबर है। मतलब यहां पर देखिए, अगर इस कार्बन के पास में कोई बल्कि ग्रुप जुड़े ना हो तो वो रिएक्शन सबसे रैपिडली होगा, ये मीनिंग हो रहा है इसका, कि रेट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेरिक हिंड्रेंस, बराबर है। और उसके बाद देखिए, अगर यहां पर इस कार्बन से, सुनिए, अगर इस कार्बन से कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप जुड़ा हो, कौन सा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप, दैट इज माइनस आई और माइनस एम वाला, तो उसका रेट ज्यादा होगा। सुनिए, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दैट इज माइनस आई और माइनस एम, क्या रहेगा, माइनस एम और माइनस आई, ओके। अब ये क्यों बताया आपको, ध्यान से देखिए, एग्जाम्पल में समझ में आ जाएगा, ओके। चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए आप, हाँ, चलिए ध्यान से देखिए, सुनिए, बेंजीन रिंग CHO प्लस बेंजीन रिंग और CHO, यस सर, है ना, बेंजीन रिंग CHO, चलिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, है ना, और यहाँ पर लगा दिया मैंने NO2, ध्यान से देखिएगा, सेम इन प्रेजेंस ऑफ KOH क्या बनेगा, एक क्वेश्चन ये है, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, दूसरा है बेंजीन रिंग, ओके, CHO प्लस बेंजीन रिंग CHO, यस सर, और CH3, यहाँ यूज़ किया मैंने NaOH, ओके, और क्या प्रोडक्ट बनेगा ये आपको बताना है। देखिए जब तक कि हम इसका मैकेनिज्म अच्छे से नहीं पढ़ते तब तक के मज़ा नहीं आएगा आपको, हाँ, चलो ध्यान से देख लो, इधर देखो, फर्स्ट वाले का पहले मैं मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, फिर बाद में आप खुद आंसर बता देंगे इसका कैसा आएगा। सुनिए, H बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और ये बेंजीन, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, और यहाँ पर है बेंजीन रिंग CHO और NO2, ओके, चलो, हाँ, इधर ध्यान से देख लो, पहले आपको ये ऑब्जर्व करना है, क्या यहाँ जो मैंने लिखा हूँ NO2, ये कौन सा ग्रुप है, माइनस M है क्या प्लस M है, माइनस M, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप है, सिंपल सी बात है। देखो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा स्टाइल में लिख देता हूँ, चलेगा ना। सुनिए, यहाँ पर चार्ज कौन सा डेवलप हो रहा था, देखिए इस पर तो नेगेटिव चार्ज आया था, यहाँ पर चार्ज कौन सा आया था, पॉजिटिव, कौन सा चार्ज आया था, पॉजिटिव। अब ये क्या कर रहा है कि इस पॉजिटिव चार्ज को कम करने की कोशिश कर रहा, NO2 ग्रुप अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच रहा, NO2 माइनस M है ना, बराबर है। चलिए तो सुनिए ध्यान से,
क्या हो गया इसमें, क्या यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जो आ रहा था वो धीरे धीरे पॉजिटिव चार्ज कम हो रहा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, किसके कारण, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के कारण यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा था ये चार्ज धीरे धीरे कम हो रहा। ओके, जब चार्ज यहाँ पर धीरे धीरे कम होगा तो इस पर ध्यान से देखिए क्या न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना एकदम आसान हो जाएगा। यस सर, OH न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर एकदम आसानी से अटैक कर सकता है, कर दिया अटैक। ध्यान से देखिए, ये लिखा हो मैंने बेंजीन रिंग, यस सर, ओके सी, ओके ये ओ नेगेटिव और ये एच, और यहाँ पर अटैक किया किसने, OH ने, ओके सर ठीक है ना। चलिए ध्यान से देखिए, और ये NO2 एज इट इज़, मैं डायरेक्ट इसका क्यों बताया ऑक्सीडेशन हो रहा बोल के, इसलिए बताया हूँ क्या यहाँ पर देखिए माइनस एम है ना, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप अटैच हो तो डायरेक्ट उसका ऑक्सीडेशन होगा, समझ में आ रहा क्या, और अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप डायरेक्टली अटैच हो तो रिडक्शन होगा। ठीक है, तो ये दोनों में कंपेयर करेंगे हम, तो ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप है, यस। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ तक के समझ गए आप, ओके फर्दर इस पर अटैक किसका करवाए थे हमने, इसका करवाए थे सर, यस। सुनिए आप ध्यान से, तो ये है बेटा बेंजीन रिंग, ओके सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, इसने इलेक्ट्रॉन खींचा है ना, तो यहाँ से ये एच नेगेटिव आके शिफ्ट होगा जो मैं आपको मैकेनिज्म बताया, यस। जैसे ये एच नेगेटिव बाहर जाएगा तो इस कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव डेवलप होगा, यस, तो वैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करके ये इस तरह बना देगा। ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच, और ये है बेटा एनओ टू, बेंजीन रिंग सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओ एच और एनओ टू, यस। चलिए एक एच मैं यहाँ ट्रांसफर कर दिया हूँ, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग सी ओ नेगेटिव एच, और यहाँ पर बेटा एच, ठीक है ना। अब मेटल कौन सा बाकी था, के था सर यहाँ पर, यस, क्वेश्चन में के दिया हुआ था तो मैंने के पॉजिटिव बता दिया, ओके। चलिए इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अब क्या होगा इसमें, ये एसिड है ये बेस है ना, तो एसिड बेस मिलकर के सॉल्ट बना देगा, यस सर। बेंजीन रिंग ओके सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड ओके है ना, और यहाँ पर लगा दिया हमने एनओ टू प्लस, ठीक है। ध्यान से देखिए, बेंजीन रिंग सी एच टू और ये ओ एच, यस, ये एच इधर शिफ्ट हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो आपको क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, तो ये तो मैकेनिज्म है आपको इन डिटेल बता रहा, याद रखना आपने, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसमें सबसे पहले आपको चेक करना है कि माइनस एम और माइनस आई वाला ग्रुप कौन सा है। अगर माइनस एम और माइनस आई वाला ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसका होगा बेटा हमेशा ऑक्सीडेशन, दोनों सेम है हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, एक का ऑक्सीडेशन कर लो एक का रिडक्शन कर लो, दो अगर अलग अलग हो, एरोमेटिक हो दोनों भी है ना, और अगर एक एलिफेटिक और एक एरोमेटिक हो तो एलिफेटिक का हमेशा ऑक्सीडेशन होता, बराबर है। अब दोनों एरोमेटिक दे दिया तो आपको चेक करना पड़ेगा यहाँ पर कि इसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप कौन सा है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एटम और ग्रुप रहेगा तो उसको बना देना आपने सी डबल ओ के या फिर एन ए है ना, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यस, और इसका कर लेना आपने रिडक्शन। अब ये सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, ये है बेटा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एटम और ग्रुप, ये प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है ना, अब ये क्या चाह रहा था, इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया है ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा और कम होना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल एकदम आसानी से अटैक कर सकता है, लेकिन इसमें क्या हो रहा, ध्यान से देखिए, क्या ये पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को, और ये देखो ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा दे रहा कार्बन पर, यस, जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को ये बढ़ा देगा तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पर करेगा, यहाँ पर पहले, क्यों, सिंपल सा रीजन है, यह है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है ना ग्रुप, क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप कौन सा, प्लस सी एच थ्री है ना, सी एच थ्री प्लस आई वाला, यस। चलिए इसका मैकेनिज्म आप ध्यान से देखिए, अच्छा इसका आंसर क्या है, ये क्वेश्चन था आपको दिया था मैंने, सुनिए, ये था बेटा बेंजीन रिंग, यस सर, है ना, सी डबल ओ के बेंजीन कूक है ना, पोटाशियम बेंजोइट और फोर नाइट्रो प्लस बेंजीनिंग सी एच टू ओ एच, बेंजीनिंग सी एच टू ओ एच, इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ अभी क्या बन रहा, देखिए बेंजीनिंग सी डबल ओ के, यस, प्लस बेंजीनिंग सी एच टू ओ एच, सी एच टू ओ एच और ये सी एच थ्री, अब ऐसा क्यों बन रहा, रीजन ध्यान से देखिए आप, सुनिए, ये बेंजाल्डिहाइड है, यस यस सर, ओके, क्या है ये बेंजाल्डिहाइड, ओके, इस हाँ ये रिएक्शन करेगा किसके साथ में सर, ये रिएक्शन करेगा एन ए ओ एच के साथ, ओके, ओ एच निक्लोफाइल ये यहाँ पर आकर अप्रोच होगा, क्यों,
क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन ने पाई इलेक्ट्रॉन खींच लिया था कार्बन से, यस सर, ये एच और ये ओ एच, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ तक क्या आई होप आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। फर्दर इसका रिएक्शन करवाएंगे हम, सुनिए ध्यान से आप, बेंजीन रिंग बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, यस सर, और ये सी एच थ्री, ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा तो ये पाए मतलब एच नेगेटिव हाइड्राइड शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ पर, एच नेगेटिव आयंस, यस। सुनिए क्या होगा इसमें, बेंजीन रिंग ओके सर, बॉन्ड सी बॉन्ड ए डबल बॉन्ड ओ, जैसे एच नेगेटिव बाहर जाएगा तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन पेयर ये उतार देगा नीचे, डबल बॉन्ड ओ और ये ओ एच, यस सर, प्लस बेंजीन रिंग ओके, ध्यान से देखिएगा, बेंजीन रिंग सी एच टू, यस सर, ओ एच और ये सी एच थ्री एज इट इज, है ना, फोर्थ पोजिशन पर था। तो ध्यान से देखिएगा, ओ एच तो नहीं होगा भैया, पहले तो ओ नेगेटिव है ना, और यहाँ पर एन ए आके अप्रोच होगा, ओके। फर्दर ये क्या है बताइए आप, ये सर एसिड और ये है बेस, दोनों मिलकर के सॉल्ट बना देंगे, ओके। यहाँ का एच इधर ट्रांसफर हो जाएगा और एन ए इधर ट्रांसफर, तैयार होगा बेटा इस तरह, बेंजीन रिंग सी डबल ओ एन ए, सोडियम बेंजोएट नाम है इसका, क्या नाम है इसका, सोडियम बेंजोएट, प्लस ध्यान से देखिएगा, प्लस बेंजीन रिंग यस सी एच टू ओ एच और ये है बेटा सी एच थ्री, बेंजीन रिंग है ना, बेंजीन रिंग सी एच थ्री सी एच टू और वो ओ एच, यस, बताया था आंसर आपको मैंने करेक्ट, ठीक है ना, यहाँ तक के समझ में आ गए। देखो मैंने आपको बताया हूँ कैनिज़ारोज रिएक्शन, उसके बाद में बताया मैंने आपको क्रॉस कैनिज़ारोज रिएक्शन, और एक और टॉपिक बता देता, इंट्रा मोलिकुलर कैनिज़ारोज रिएक्शन, ओके। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, पेज नंबर थर्ड, आई थिंक पेज थर्ड, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, इसका मीनिंग समझ में आ गया आपको, स्टेरिक हिंड्रांस है ना, और उसके बाद में क्या था, रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉजिटिव चार्ज एटसेट्रा, ओके। चलिए देखिए, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारोज रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारोज रिएक्शन, मैकेनिज्म की प्रैक्टिस अच्छी करना आपने, रिएक्शन तो याद हो ही जाएगी आपको, इक्वेशन वगैरह कोई इतना हार्ड नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म पर फोकस करना, सुनिए आप ध्यान से, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारोज रिएक्शन मतलब मॉलिक्यूल के अंदर ही होगा, इंट्रामोलिक्यूलर कैनिज़ारोज रिएक्शन, ओके। चलिए ध्यान से देखिए, यहां मैं यूज किया हूं सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, क्या नेम है बेटा इसका, नेम है ग्लिसरल्डिहाइड, यस सर, है ना, ये अच्छे रेफरेंस बुक में देता टॉपिक, ध्यान से देखिएगा, क्या होगा इसमें, एन ए ओ एच आकर के अटैक करेगा सर, एन ए पॉजिटिव ओ एच नेगेटिव, इंट्रा मॉलिक्यूलर, सिंपल सी बात है, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे तो ये ओ एच यहां पर आकर अप्रोच होगा, यस सर, ठीक है ना, ध्यान से देखिए, ये ओ एच बॉन्ड सी एच ओ निगेटिव, यस सर, बॉन्ड सी है ना बॉन्ड ओ, ध्यान से देखिए कैसा हो रहा है रिएक्शन, ठीक है ना। पहले मैं एक काम करता हूँ, ये क्वेश्चन बना दिया इसको, चलिए इंटरमोलिक्यूलर ये क्वेश्चन पूछ ले, मान लो आपको ऐसा कि इसका प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ठीक है, देखिए मैकेनिज्म इसका, ध्यान से देखिएगा, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, दोनों भी सेम एल्डिहाइड ग्रुप है, कहीं पर भी आप अटैक करो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, यस। चलिए एन ए पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव, सिंपल सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन मैंने यहां पर शिफ्ट कर दिया हूं, यस सर, तो ये ओ एच यहां पर आकर अप्रोच हो जाएगा, यस सर, ओ एच बॉन्ड सी बॉन्ड एच, यस सर, नो डाउट, ओके। ये ओ नेगेटिव याद आ रहा होगा आपको, थोड़ा सा मैकेनिज्म ऐसे था ना, सेम, ओके, बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच, मतलब यहां पर ओ एच ने न्यूक्लियोफाइल ने आकर के अटैक किया, यस। चलिए अब देखिए आगे क्या होगा इसमें, क्या ये ऑक्सीजन एटम पाई इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा, तो इस कार्बन पर चार्ज कौन सा आएगा, बोलो, डेल पॉजिटिव, कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव, यस, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होगा कि एच निगेटिव आयन बाहर आएगा और ये एच निगेटिव यहां पर आकर के अप्रोच होगा, यस सर, सुनिए
मेकिन देखिए जैसे ही यहाँ से एच नेगेटिव बाहर आएगा बेटा, तो ये ओ डबल बॉन्ड सी, मतलब ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, यस सर। ये ओ एच एज इट इज, यस सर। बॉन्ड सी, यस, ओ नेगेटिव है ना, और यहाँ पर एच और यहाँ पर एच, बराबर है ना। क्या बाकी था इसमें, यहाँ बाकी था सर एन ए पॉजिटिव, इसको यहाँ पर हमने ला के जोड़ दिए, यस। बाद में लास्ट स्टेप क्या होता था कि यहाँ से एच पॉजिटिव बाहर आता था, यस सर, ये है ना, सी डबल बॉन्ड ओ, बॉन्ड ओ नेगेटिव है ना, और एन ए पॉजिटिव, यस सर, सी, यस। सुनिए, सी बॉन्ड एच और ये ओ एच, समझ में आ गया। मतलब ये मॉलिक्यूल के अंदर ही कैनिजारोज रिएक्शन हो रहा, इसलिए इसे हम इंट्रा मॉलिक्यूलर कैनिजारोज रिएक्शन कहते हैं। तो सुनिए, इसका प्रोडक्ट बेटा कौन सा बना है, ये बना है सी डबल ओ एन ए, ओके, और सी एच टू ओ एच, सी डबल ओ एन ए और सी एच टू ओ एच, ओके। सेकंड एग्जाम्पल ध्यान से देखिएगा, सी एच ओ सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी, ओके, इसका रिएक्शन करवाया हूं मैंने एन ए ओ डी के साथ, क्या बनेगा, बराबर है। ध्यान से देखो, अच्छी एग्जाम्पल है, ये भी इंट्रा मॉलिक्यूलर है ना कैनिजारोज रिएक्शन है, यस सर, ओके। चलिए उस सेकंड एग्जाम्पल को मैं विद मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, ये एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, इसका मैकेनिज्म, यस सर, है ना। तो आप मैकेनिज्म से पढ़ने की ही कोशिश करना, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने के बाद, ओके। सुनिए, सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड एच बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी, यस सर, ओके। चलिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर क्या था, एन ए ओ डी, मतलब ओ डी निगेटिव बाहर आएगा, यस सर। ये कहाँ पर अटैक करेगा, इस कार्बन पर, यहाँ पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि ये बॉन्ड थोड़ा सा स्ट्रांग है, बता रहे मैंने आपको कि सी डबल सी बॉन्ड डी ये स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू सी बॉन्ड एच, क्योंकि हाइड्रेट शिफ्टिंग, एच निगेटिव ईजिली बाहर हो जाता एज कम्पेयर टू सी बॉन्ड डी। सुनिए, तो ओ डी बॉन्ड सी, यस सर, बॉन्ड एच बॉन्ड ओ निगेटिव बॉन्ड सी, यस सर, डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड डी। अब ये पाई इलेक्ट्रॉन जैसे ही यहाँ पर शिफ्ट होंगे तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होंगी, तो यहाँ से H बाहर आएगा, यस सर, ये H बाहर आकर के यहाँ पर आकर के अप्रोच होगा, यस। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये लिखे बेटा हमने ओ डी बॉन्ड सी, यस सर, है ना। जैसे ही बाहर आएगा तो ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ सी डबल बॉन्ड ओ, चलेगा ना, सी डबल बॉन्ड ओ, ओके। ये क्या रहेगा बेटा, ओ और ये डी, यस, एज इट इज, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट कर दिया हमने। चलिए बॉन्ड सी, यस, बॉन्ड ओ नेगेटिव और यहाँ पर डी, एच यहाँ पर आकर अप्रोच हो गया, यस सर, और एन ए जो था मेटल ये इस पोजीशन पर ऑक्सीजन पर आकर जुड़ जाएगा। बाद में क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, बाद में ये होगा कि यहाँ से ओ एच बाहर निकलते थे हम, तो यहाँ से ओ डी बाहर निकलेगा, यस सर, डी पॉजिटिव यहाँ पर आ जाएगा और एन ए इधर, सी डबल ओ एन ए, यस सर, बॉन्ड सी एच डी और ये है बेटा ओ डी, आगे समझ में। चलिए तो इसका प्रोडक्ट कौन कौन सा है, ध्यान से देखिए कौन सा है, सी डबल ओ एन ए, यस सर, है ना, सी डबल ओ एन ए, मतलब इसका हुआ है ऑक्सीडेशन, बराबर है ना। और यहाँ देखिए बेटा सी एच डी और ये ओ डी, इसका हुआ है रिडक्शन, ओके। और ये टॉपिक था इंट्रामोलिक्युलर कैनिजारोस रिएक्शन, क्या था, इंट्रामोलिक्युलर कैनिजारोस रिएक्शन, पेज नंबर 4। एक लास्ट टॉपिक रह गया एल्डिहाइड कीटोन का, दैट इज यूजेस। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, हाँ, एक यूजेस और एक परकिन रिएक्शन, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिएगा, तो यूजेस बता देता हूं आपको, सुनिए। सबसे पहले यूज करेंगे हम फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड के क्या यूजेस है, ओके। सेकंड यूज करेंगे हम एसिटाल्डिहाइड, ओके, थर्ड कीटोन, फोर्थ है बेटा बेंजल्डिहाइड, ओके। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछता
है ना, ध्यान से देखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। देखा होगा आपने जिसमें सांप फ्रॉग वगैरह रखते हैं, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जिसमें रहता फॉर्मेलिन, वाटर प्लस फॉर्मल्डिहाइड। यस, तो ध्यान से देखिएगा, फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन फॉर्मेलिन, है ना, और ऐसे लिख सकते फॉर्मल्डिहाइड यूज्ड इन बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन, यस सर, जिसमें प्रेजेंट होता है फॉर्मेलिन विच कंटेन 40% एक्वा सॉल्यूशन ऑफ मीथेनल, यस सर, है ना, जो मैं आपको फिजिकल प्रॉपर्टी में लिखा के दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, इसका इस्तेमाल करते हैं बेकेलाइट तैयार करने के लिए, जो हम पॉलीमर में पढ़े हैं, और बेकेलाइट कैसे तैयार होगा, ध्यान से देखिए, फॉर्मल्डिहाइड, यस सर, फॉर्मल्डिहाइड प्लस फिनॉल, ओके, बेकेलाइट तैयार करने के लिए, इसका यूज करते हैं हम, यस। थर्ड पॉइंट, ध्यान से देखिए, इससे हम तैयार करते हैं और फॉर्मिक एसिड लैब में तैयार कर सकते हैं, ओके, ठीक है, यहां तक कि आपको समझ में आएगा फॉर्मल्डिहाइड। सेकंड है बेटा एसिटाल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड का यूज करते हैं हम डीडीटी तैयार करने के लिए, जो हम हेलो अल्केन हेलो एरिन चैप्टर में पढ़े हैं, पीपी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, पीपी डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन, डीडीटी तैयार करते हैं, यस सर, क्लोरल तैयार करने के लिए इसका यूज करते हैं, बराबर है ना, क्या एसिटाल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड का रिएक्शन करेंगे क्लोरीन के साथ तो उससे क्लोरल तैयार होता है, ये बताया मैंने आपको हेलो अल्केन में, यस सर, ठीक है। थर्ड है बेटा एसिटिक एसिड तैयार करने के लिए इसका यूज करते हैं, मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड तैयार करने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं हम किसका, एसिटाल्डिहाइड का, यस, एसीटोन में कीटोन के एग्जांपल है एसीटोन, यस सर, एसीटोन यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ प्लास्टिक, ओके, अधेसिव, ओके, प्लास्टिक अधेसिव एटसेट्रा। सेकंड पॉइंट ये है कि इट इज़ यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के तौर पर इसका यूज करते हैं हम, और बेंजाल्डिहाइड का यूज करते हैं हम, है ना, डाइंग के लिए, एक्ट एज अ डाई, हेयर डाई वगैरह करते ना, तो उसमें इसका इस्तेमाल करेंगे किसका, बेंजाल्डिहाइड, डाइंग के लिए इसका यूज करते हैं, यस। तो ये था टॉपिक बेटा अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक, सॉरी अल्डिहाइड और कीटोन, अभी कार्बोक्सिलिक एसिड बाकी है, और परकिन रिएक्शन अपना यूट्यूब पर ऑलरेडी अवेलेबल है, तो हमारे डेली मतलब रेगुलर लेक्चर के हिसाब से, है ना, उसका नंबर मैं सिक्वेंस में डाल के आपको शेयर कर दूंगा, ओके, चलिए बाय।